होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। पंक्तियों से आंदोलित होने वाले हम और इन पंक्तियों के विरोधाभास में खड़ा वो दृश्य जो कश्मीर से आने के बाद पूरे देश में व्हाट्सएप पर और मीडिया में वायरल हो चुका है, हम देखते हैं कि वहां के युवा किस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें लातों से धकिया रहे हैं, जूते मार रहे हैं, उनके हेलमेट छीन रहे हैं। और वो बहादुर जवान, हाँ वो बहादुर है क्योंकि हाथ में बंदूक है, ताकत है, शक्ति है, लेकिन प्रहार नहीं किया, उन्होंने सहन किया ताकि वहां का माहौल खराब नहीं हो, वातावरण नहीं बिगड़े, और उन युवाओं पर हमला नहीं किया। लेकिन वो युवा, उनके प्रति हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि वो सैनिकों से वो इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर इस देश में लोगों का खून खौल जाता है। पैराग्रन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन सेना के साथ हुए इस तरह के व्यवहार को लेकर हम खामोश क्यों हैं? जो लिखा गया है किसी शायर के द्वारा कि कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहीं पर बोल जाते हैं, कटे जब शीश सैनिक का तो सारे चुप रहते हैं, कटे जब सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। क्या यही मानसिकता है जिसके साथ हम इस देश में राष्ट्र प्रेम की बातें करेंगे? क्या केवल जय हिंद और वंदे मातरम के नारे व्हाट्सएप पर बुलंद कर देना ही देशभक्ति है? सैनिकों के खिलाफ इस प्रताड़ना को लेकर हम लोग आक्रोशित क्यों नहीं होते? हमारा खून क्यों नहीं खोलता? इसके विरोध में हम सब लामबंद क्यों नहीं होते? जरा सोचिए।